हैं इससे। योगी जी ने एक तरफ कहा है कि अपने ही मुल्क में भी तालिबान की एंट्री है, तालिबान जैसे लोगों को एक्सपोज करना है, तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल उनकी बात से ये तो बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे भारत में तालिबान है। हमारे भारत में तालिबानों की एंट्री हुई थी 2014 में और वो तालिबान हमारे भारत में इस कदर फैल गया है। आप देखिए सुरेश के चौहान जो है तलवारें लेकर फोटो खिंचवाते हैं, बंदूकें लेकर फोटो खिंचवाते हैं और वो हमारे भारत के अगर मीडिया में है, मीडिया को हमारे मीडिया को दिखाते हैं तो हमारे भारत में तालिबान है। अगर आप भगवादारी झंडा लहराते हैं, अपने देश का तिरंगा को भूल जाते हैं तो हमारे भारत में तालिबान है। अगर आप किसी मुसलमान किसी लाचार को मारते हैं अपना हिंदुत्व मजबूत करने के लिए तो हमारे भारत में तालिबान है। अगर आप किसी दलित बच्ची का बलात्कार कर देते हैं और आप हिंदुत्व के नाम पर ऊंचे हो जाते हैं कि आपने उस बच्ची का रेप कर दिया बलात्कार कर दिया तो हमारे भारत में तालिबान है। ये हमें जो भगवा कलर का तालिबान दिखा वो हम सबके सामने है तो इस कदर वो तालिबान हमारे भारत में मजबूत हो रहा है कि शायद बाहर के देशों में भी ना हो। लेकिन वो तो तालिबान को मुसलमानों में ढूंढ रहे हैं कि कौन मुसलमान है जो तालिबान समर्थक है, उसे एक्सपोज करने का वक्त आ गया है। हाँ वो उनके लिए हरे कलर में ढूंढ, हाँ वो हरे कलर में ढूंढ रहे हैं। पहली बात तो कोई भी हमारा केस देख लीजिए कि कहाँ जहाँ पर किसी हिंदू को मारा गया हो और बोला गया हो चल अल्लाह अकबर बोल, हमारे भारत में कोई भी ऐसा केस हमने नहीं दिखा। पर हमारे भारत में हमने ये देखा कि चल जय श्री राम बोल, नहीं तो तू पिटेगा, नहीं तो तू पाकिस्तान जा। हमारे भारत में ये बोला जाएगा कि तू मुसलमान है तो हमारी लड़कियों को चूड़ी नहीं पहना सकता, अगर तू मुसलमान है तो हमारी लड़कियों के हाथ में मेहंदी नहीं लगा सकता, हमने ये देखा। और फिर आप कह रहे हैं कि मुसलमान तालिबान होते हैं, अरे जनाब अपने अंदर झांक कर देखिए, अगर अपने आपको शीशे में देखते होंगे ना आपको अंदर अपने अंदर खुद एक तालिबान ही दिखता होगा। जो आपने पूरा चोला पहन रखा है उसके पीछे जो लाल कलर छुपा हुआ है उसको जरा देखिए आप, आपको पता चलेगा कि हमारे भारत में 2014 के बाद जो तालिबान की जो जगह है वो कौन से जाति कौन सी कौम ने ले ली। हमारे भारत में हिंदुत्व इतना सॉफ्ट रिलीजन है, इतना हिंदू इतने सॉफ्ट लोग होते हैं, इतने प्यारे लोग होते हैं, पर अभी देखिए हमारे भारत में क्या हो रहा है। वो लोग अपने उस हिंदुत्व को चमकाने के लिए जो